सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस के आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में, जिसको लेकर अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर क्या बातें बताई गई हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये रिपोर्ट जारी हुई है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसके अनुसार ये अनुमान है कि भारत के पास मिलिट्री प्लूटोनियम इतनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि इससे भारत करीब 150 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का उत्पादन कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत ने अभी तक 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का ही उत्पादन किया है। लेकिन फिर भी भारत को अपनी उन मिसाइल्स के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त प्लूटोनियम की जरूरत है, जो मिसाइल्स अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में चल रही हैं, और इसीलिए कथित तौर पर भारत नए प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटीज का निर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत अपने न्यूक्लियर एर्सनल को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसके तहत भारत कम से कम 5 ऐसे नए वेपन सिस्टम्स को विकसित कर रहा है जो कि वर्तमान समय के न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सी बेस्ड सिस्टम्स को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अमेरिका और रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस के विपरीत भारत अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए एक अधिक मात्रा में बॉम्बर एयरक्राफ्ट पर ही निर्भर है, जबकि भारत ने 2003 में ही अपनी पहली न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया था। और इस रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत ने किसी न्यूक्लियर वॉर की संभावना के लिए अपने पुराने मिराज 2000H और जैगवार ISIB एयरक्राफ्ट के करीब 3 या 4 न्यूक्लियर स्ट्राइक स्क्वाड्रन को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अपग्रेड्स के बावजूद भी ये ओरिजिनल न्यूक्लियर बॉम्बर्स काफी पुराने हो चुके हैं और भारत को एक मॉडर्न फाइटर बॉम्बर की तलाश है, और जिसके लिए भारत ऑलरेडी 36 रफेल फाइटर्स को खरीद रहा है, क्योंकि रफेल फाइटर्स का इस्तेमाल फ्रेंच सर्विस भी न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए करती है, और अनुमान है कि भारत भी इन रफेल फाइटर्स को न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि भारत की न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स केवल 15 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पास ऑलरेडी 4 तरह की लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज की पृथ्वी 2 और अग्नि 1, मीडियम रेंज की अग्नि 2 और इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि 3, और वहीं लॉन्गर रेंज में भारत के पास अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स मौजूद हैं। हालांकि भारत सरकार ने अपने भविष्य के लैंड बेस्ड मिसाइल फोर्स के कॉम्पोजिशन और साइज के बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत करीब 3 से 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है। और जहां तक बात है भारत के 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो हमारे ओपिनियन के हिसाब से ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी पर्याप्त हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जैसे मामले में वेपन्स की क्वांटिटी ज्यादा मैटर नहीं करती है, और वो इसलिए क्योंकि अगर कभी भविष्य में न्यूक्लियर वॉर की संभावना बनती है तो कोई भी देश अपने आधे से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। बाकी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में हर एक देश को ये देखने की जरूरत है कि इन वेपन्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम किसी बेहतरीन कमांड और कंट्रोल सिस्टम के अंदर हो। और चूंकि आज के समय में हमारे दोनों चहेते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तो इसीलिए ये भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन के एर्सनल को मेंटेन करके रखे। बाकी आपको बता दें कि भारत में न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है, और अगर आप इस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।